दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड से संबंधित बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। 10,000 ड्यूटियां बहाल की गई हैं। 2 शासनादेश मुझे प्राप्त हुए हैं। दोनों ही शासनादेशों से आपको खुशखबरी मिल जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं शासनादेश के बारे में पूरा डिटेल से। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर पहला शासनादेश दिख रहा होगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में पूरे डिटेल से पढ़ लीजिएगा। फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए इसको जूम करके दिखाता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। शासनादेश में ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सेवा में श्री आरपी सिंह, विशेष सचिव गृह पुलिस अनुभाग 16 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, दिनांक दी है 16 मई 2020। विषय लिखा है नोवल कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत 15,000 होमगार्ड के अतिरिक्त प्रस्ताव आख्या उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। दोस्तों, इस वक्त होमगार्ड की ड्यूटी पुलिस विभाग में 15,000 लगी हुई है। इन 15,000 के अलावा 10,000 होमगार्ड और लगना है, उसी से संबंधित यह आदेश पारित किया गया है। लिखा हुआ है कृपया उपयुक्त विषयक शासन के पत्र संख्या यहाँ पर दी है 24/4/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नोवेल कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश के विभिन्न जनपदों हेतु प्रस्तावित 15,000 के अतिरिक्त होमगार्ड की आवश्यकता के संबंध में प्रस्ताव आख्या उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। नंबर 2 पर लिखा हुआ प्रसंगत प्रकरण में अवगत कराना है कि वर्ष 2016 के स्वीकृत नियतन 166,227 के सापेक्ष 131,679 आरक्षी उपलब्ध हैं तथा 34,548 आरक्षी के पद रिक्त चल रहे हैं। दिनांक 2/3/2020 को 31,360 अभ्यर्थियों का चयन परिणाम घोषित किया गया है, जिनके मेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण चरित्र सत्यापन कराया जाना शेष है। 1,895 आरक्षियों भर्ती प्रक्रिया के उपरांत प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने शेष हैं तथा 2,550 आरक्षी नगरीय पुलिस आरटीसी प्रशिक्षणाधीन हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु वर्ष 2017 से 25,000 होमगार्ड की सेवा लिए जाने हेतु शासकीय स्वीकृति अनुमति प्राप्त होती रही है। नंबर 3 पे लिखा है उल्लेखनीय है कि नोवेल कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों लॉकडाउन के दृष्टिगत प्रदेश के कमिश्नरेट जनपदों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नियमित पालीवार ड्यूटियां लगाई जा रही है। इसके साथ साथ नवीन बीट प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु समुचित जनशक्ति उपलब्धता आवश्यक है। वर्ष 2016 में प्रदेश की जनसंख्या लगभग 21.76 करोड़ थी, जो बढ़कर अब 23.79 करोड़ से अधिक हो गई है। इस निमित्त जनपदीय पुलिस में विद्यमान रिक्तियों की पूर्ति हेतु पूर्व में स्वीकृत 15,000 के अतिरिक्त 10,000 होमगार्ड ड्यूटी लिया जाना उचित होगा तथा आर्थिक दृष्टिकोण से मित व्यय होगा। नंबर 4 पे लिखा हुआ है अतः उपयुक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश में शांति कानून व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था आदि में सहयोगार्थ ड्यूटी हेतु अतिरिक्त दिनांक 1/1/2020 से 10,000 होमगार्ड की प्रशासनिक स्वीकृति अनुमति प्रदान की जाने का कष्ट करें, बीपी रामा शास्त्री, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश। दोस्तों, यहां पर सब कुछ क्लियर कर दिया गया। यहां पर क्लियर किया गया कि कांस्टेबलों की कमी की वजह से 25,000 होमगार्ड 2017 से लगते चले आए हैं, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। 15,000 होमगार्ड भाई हमारे ड्यूटी कर रहे हैं। इन 15,000 के अतिरिक्त 10,000 होमगार्ड और मांगे गए हैं। उन 10,000 होमगार्ड्स की ड्यूटी 1/1/2020 से लगना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश होमगार्ड को यहाँ पर काफी बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर भाइयों की ड्यूटी कम कर दी गई थी, उस वजह से बहुत सारे भाइयों की ड्यूटी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन यहाँ पर 10,000 होमगार्ड भाइयों की ड्यूटी लग चुकी है। 1 जून से उनकी ज्वाइनिंग कर दी जाएगी। चले चलते हैं आज के अगले शासनादेश की तरफ। अगला शासनादेश आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा डिटेल से देख लीजिएगा। आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। शासनादेश 16 मई 2020 को पारित किया गया है। लिखा है प्रेषित कमिश्नर ऑफ पुलिस गौतम बुद्ध नगर लखनऊ, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश, विषदिया COVID-19 में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड स्वयंसेवकों के संबंध में कृपया उपयुक्त विषयक कोरोना वायरस ड्यूटी हेतु प्रदेश के जनपदों में प्रतिस्थापित होमगार्ड स्वयंसेवकों को अन्य जन राज्यों से आए श्रमिकों कामगारों को उनके मूल जनपद तक पहुंचाने हेतु भेजी जा रही बसों के साथ विभिन्न जनपदों हेतु प्रस्थान कराया जा रहा है। आप अवगत हैं कि होमगार्ड स्वयंसेवकों के पास कोरोना वायरस के बचाव हेतु PPE किट आदि उपलब्ध नहीं है, जिससे उनमें कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बना रहता है। संज्ञान में आया है कि प्रसंगत ड्यूटी में तैनात होमगार्ड स्वयंसेवकों को निरंतरता में एक जनपद से वापस आने पर दूसरे जनपद हेतु प्रस्थान कराया जा रहा है, जिससे उनके लगातार यात्रारत रहने के कारण उनके स्वास्थ्य एवं मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। नंबर 3 पर लिखा है अतः
इस संबंध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि कोरोना वायरस ड्यूटी में तैनात होमगार्ड स्वयंसेवकों को रोटेशन क्रम में ही बसों के साथ भेजा जाना सुनिश्चित कराएं, जिससे कि होमगार्ड स्वयंसेवकों के स्वास्थ्य एवं मनोबल पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े और वह अपने उच्च मनोबल के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम देते रहें। विजय कुमार कमांडेंट जनरल, नीचे की तरफ सभी के नाम लिख दिए गए जिन जिन को प्रति भेजी गई है। दोस्तों यहाँ पर देखने में आ रहा था कि एक होमगार्ड जब ड्यूटी करके आ रहा था तो फौरन ही उसकी ड्यूटी दूसरी बस पर लगाई जा रही थी। इसी को देखते हुए आदेश पारित किया गया है कि एक ड्यूटी से आने के बाद उसको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए, उसके बाद उस जवान की ड्यूटी दूसरी जगह लगाई जाए। दोस्तों मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा कदम है। दोस्तों आपको कमेंट करके मुझे बता दीजिए आप लोग उत्तर प्रदेश के किस जिले से रहने वाले, नीचे कमेंट बॉक्स में आके अपने जिले का नाम लिखिए और आगे लिखिए UPHG या फिर उत्तर प्रदेश होमगार्ड, जिससे कि आगे मुझे न्यूज देने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।